बाप गांव वालों, हमारी तमिलनाडु सरकार ने गरीब जनता की भलाई के लिए एक आई कैंप का आयोजन किया है। हम निवेदन करते हैं कि जिन भाइयों की आंखों में तकलीफ हो वो गांव के अस्पताल में जाकर अपना नाम दर्ज करवा दें और कैंप में आकर मुफ्त चिकित्सा का लाभ उठाएं। आप सबसे अनुरोध है कि सुनहरे मौके का फायदा अवश्य उठाएं। कुकुन टू सर, नो फॉर्मेलिटीज। अब ये कौन हो सकता है? गले लग यार, पता है तुझसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई। कितने सालों से हम दोनों बिछड़े हुए हैं। सुन, कौन है? तेरा पहचान वाला है क्या? अरे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जब मैं चेन्नई में था तो इसी दोस्त ने मुझे बहुत सहारा दिया था, इसे कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी बात करके ठीक है, मैं जरा बाजार होके आती हूँ। आता हूँ। वेयर आर दी वेपन्स? सर गाड़ी में है। शो इट टू मी। यस सर। कुकुन टू कॉलिंग सर। अल्फा वन इज हियर। व्हाट अबाउट द सिल्क सारीज? सिल्क सारी डिलीवर्ड सर। वेरी गुड, डू द नीडफुल टू कुकुन वन, दैट्स योर जॉब। यस सर, ओवर। ओवर एंड आउट। भैया आंखें और खोलो। बस 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 हो गया। जैसा कहा था वही लेकर आया। ए दिखाओ रे। लो भाई। रंजन। हाँ भाई। तुमने साबित कर दिया कि तुम संगठन के हो। तुमने जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। वैसे ये राइफल तो बहुत छोटी बात है रंजन के लिए। भाई पहले आप अपनी आंखों का इलाज करवाइए। हाँ भैया, करवा लो ना ऑपरेशन, कब तक ड्रॉप डालते रहोगे? आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। हम आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को किडनैप करके यहाँ ले आएंगे जो गांव में आया है। रंजन, मैंने एक डॉक्टर को किडनैप करके बुलवाया था, उसने सलाह दी थी कि ऑपरेशन केवल हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे। भैया अस्पताल कैसे जाएंगे? अरे क्यों नहीं आएंगे, तुम इस संगठन वाले को चैलेंज कर रही हो। भाई आप बस हाँ बोल के तो देखो, उस डॉक्टर को यहाँ पे किडनैप करके लेके आएंगे। ऐसे कैसे संभव है? वैन ड्राइवर मेरा दोस्त है, उसके जरिए हम उस डॉक्टर को बुलवाएंगे। अगर उस डॉक्टर को तगड़ा पैसा देंगे तो वो ऑपरेशन कर देगा। हाँ भैया, मैंने उसे उस ड्राइवर से बात करते देखा था। इसीलिए तो कह रहा हूँ आंखों का ऑपरेशन मैं करवा दूंगा। एक ओजन थाई। हाँ भाई। रंजन जैसा कह रहा है ये आपके फायदे के लिए कह रहा है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है रंजन, तुम इंतजाम करो। ठीक है भाई। ओजन थाई, ये सब गाड़ी में क्यों नहीं रखते? ये भी तो निकालो। आओ बैठो। कोजन थाई क्या खबर? आओ रंजन।
डॉक्टर से बात हो गई है, अगले संडे को ऑपरेशन कर लेंगे, उस दिन वहाँ कोई नहीं होगा, छुट्टी होती है, डॉक्टर पैसों के लालच में तैयार हो गया है। वो डॉक्टर यहीं का रहने वाला है कि बाहर का है? बाहर का है। मैंने उस वैन ड्राइवर से भी बात की थी, वो बोला अस्पताल में हमारे अलावा और कोई नहीं होगा। क्या उस डॉक्टर को पता है कि वो वीरप्पन का ऑपरेशन करने वाला है? नहीं पता, मैंने तो उसे कहा कि कोई बाहर का मरीज है, पर शायद हो सकता है कि आपको देखने के बाद वो आपको पहचान ले। मुझे निकलवा लो तो ठीक रहेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम पैसे दे रहे हैं ना तो हम देख लेंगे। विमला, वो जो कह रहा है सही है, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। भाई, हॉस्पिटल की दूरी यहाँ से 50 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग पहाड़ी रास्ते से अगर चलें तो 200 किलोमीटर का सफर करके वहाँ पहुँच जाएंगे। अरे सीधा सीधा जाने के बजाय तुम लोग घूम फिर कर क्यों जा रहे हो? इसका भी कारण है भाई। सबसे पहली बात, वो रोड टूटा फूटा है और उस रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होती। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि करूं पर ऐसे कोई गाड़ी आती जाती है, चेक पोस्ट भी नहीं है और पुलिस की माथापच्ची भी नहीं। हाँ एक बात है, उस रास्ते पर हमेशा हाथी और शेर दिन रात वहाँ से गुजरते रहते हैं, उनसे बचना पड़ेगा। रंजन, वो जानवर सब हमारे बच्चे हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं समझता हूँ रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। ठीक है भाई, मैं करता हूँ। कोकुन वन कॉलिंग सर। ओवर। अल्फा वन हियर। ओवर। सर, सिल्क वॉर्म आंखों के ऑपरेशन के लिए एग्री हो गया है, ऑपरेशन आने वाले संडे को है। प्लान ये है कि हम उसे पहाड़ों के रास्ते से ले जाएंगे। ओवर। कितने आदमी होंगे उसके साथ? ओवर। उसको मिलाकर पूरे 4 आदमी है सर, आगे का प्लान आपको ही बनाकर बताना है। ओवर। ठीक है, बुधवार को मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगा आगे कैसे बना। ओवर एंड आउट। यस सर। ओवर। रमेश, चेक द व्यू। संथिल। सर। गो अप। यस सर। देखो वहां से रोड कैसे दिखता है। सर, इस सर्वे के अनुसार जो स्पॉट हमने फिक्स किया है, वहाँ से 15 मिनट की दूरी पर एक शुगर मिल है, वहाँ गन्ने की भारी गाड़ियाँ गुजरती हैं। ओके। फिर? ना ही कोई सरकारी बस चलती है उस रोड पर और ना ही कोई प्राइवेट वैन्स गुजरती हैं। एक ही खतरा है जंगली जानवरों का, जो नदी की तरफ जाते हैं रोड क्रॉस करके पानी पीने के लिए। इसके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, फिक्स कर दो स्पॉट। यस सर। कुकुन वन कॉलिंग। ओवर। कुकुन वन, जैसे तुम बापार पट्टी गांव क्रॉस करो, सारे व्हीकल्स वहीं पर 20 किलोमीटर वाले माइलस्टोन के पास खड़ी कर देना और हमारी टीम को ज्वाइन कर लेना, वही ऑपरेशन स्पॉट होगा। यस सर। ओवर। ओवर एंड आउट। जान पे खेलेंगे हम, पीछे नहीं हटेंगे हम, जान पे खेलेंगे हम, पीछे नहीं हटेंगे हम, दुश्मन से टकराना अपना काम, ए दुश्मन तेरा होगा क्या अंजाम। जान पे खेलेंगे हम, पीछे नहीं हटेंगे हम, दुश्मन से टकराना अपना काम, ए दुश्मन तेरा होगा क्या अंजाम। सर्वांध कवन हम आए, पत्थरों पे राह बनाए, हम है ऐसे वीर जो तूफानों से टकराए, है कसम है कसम है कसम है कसम। इस भारत के लाले हैं हम तुम, भारत के लिए जीते, देश के दुश्मन जान लो ये तुम, हम हटते नहीं पीछे। हर लहू ये दे पैगाम, ए मां तुझको है सलाम, तेरी खातिर जान भी जाए पर दुश्मन ना बच पाए, है कसम कसम है कसम कसम है कसम, है कसम।